गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम कमिंग विथ अ न्यू वीडियो दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर सेकेंड एंड द चैप्टर नेम इज सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये जो हमारा आज का चैप्टर है ये हिस्ट्री से है, सेकेंड पार्ट चैप्टर टू सिविलाइजिंग द नेशन एजुकेटिंग द नेशन। सो स्टूडेंट, वन वर्ड इज हियर नेटिव। व्हाट यू मीन बाय नेटिव्स? ये नेटिव्स क्या है, नेटिव किसे कहते हैं? सो नो डाउट इट इज रिलेटेड टू द नेशन, द पीपल हु लिव इन दिस नेशन नोन एज द नेटिव। सो नेटिव वर्ड जो हमारे लिए यूज किया गया है वो किसकी तरह यूज किया है? So, आप जानते हो कॉलोनियल पीरियड होता है, ब्रिटिश रूल होती है नियर अबाउट 200 इयर्स अगो। सो दे कॉल अस नेटिव्स, वे हमें नेटिव कहते हैं। और चैप्टर इज सिविलाइजिंग द नेटिव्स, दैट मींस दे थॉट दैट इंडियन पीपल आर नॉट सिविलाइज, दैट इज व्हाई दे थॉट टू सिविलाइज द नेटिव। वे चाहते हैं कि सभ्य बनाया जाए, उनको लगता था कि हम सिविलाइज नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट जो एजुकेटिंग नेशन, उनको फील होता है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है नॉट गुड फॉर दैट पीरियड। एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू इन दिस पीरियड, वट एवर यू रीड हियर, आई मीन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल वी टीच यू एंड यू रीड फ्रॉम माई सेल्फ, दैट इज द चेंजेस ऑफ ब्रिटिश। ये हम आगे हम देखेंगे कि ये जो करिकुलम है, क्लासेस हैं, फिक्स पीरियड है, एग्जाम्स हैं, या आपके सिलेबस डिफाइन किए गए, दैट आर गिवन बाय द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश द्वारा जो है एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं, या फिर ये इंग्लिश मीडियम है, वो हम लेटर डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे इस सिविलाइजिंग द नेटिव और एजुकेटिंग द नेशन। एक्चुअली इन हिस्ट्री वी डिस्कस a lot about the British rule, and generally we read the negative perspectives of British rule, impact, negative impact of British rule. हमने अभी तक negative impact ही देखा है, चाहे उसे वर्बर्स हमारे हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, राजा हों, नवाब हों, पर्सेंट्स हों, ओके, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। आपने देखा ना ट्राइबल कम्युनिटी न्यू फॉरेस्ट लाते हैं, वो कितना सफर करते हैं, उनको अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के आएंगे फॉरेस्ट को छोड़ करके, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में जाना पड़ता है। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल विच वी कंसिडर जनरली इन निगेटिव टर्म्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू हियर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश। एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज द सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। एक्चुअली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन को रिफॉर्म करने में, एजुकेशन को मॉडर्न बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो नो डाउट ये उनको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। सो एक्चुअली वी डिस्कस यर ब्रिटिश रूल, और अभी तक जो हमने देखा है निगेटिव इम्पैक्ट राइट हियर फॉर द फर्स्ट राजा एंड नवाब, वी ऑलरेडी कंसीडर आई टीच हाउ द राजा एंड नवाब सफर ए लॉट इन द ब्रिटिश रूल, वेयर ब्रिटिश ट्राई टू कंपेयर देयर टेरिटरी एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी आइदर राजा और नवाब। सेकेंड वन इज द पीजेंट एंड ट्राइब्स, पीजेंट फॉर रेवेन्यू, रिवेन्यू को इम्पोज किए जाते हैं, उनको फिक्स रिवेन्यू देना पड़ता है, अब हाई रिवेन्यू भी हो जाता है, तो पीजेंट जो है इतना सफर करते हुए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एज वेल एज ट्राइब्स पीपल हु फेस अ न्यू फॉरेस्ट लॉ एंड दे प्रोहिबिटेड टू इंटर द फॉरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, एंड इफ दे वॉन्ट टू गो दे ऑल्सो पेड एज अ रिवेन्यू फॉर वन डे इन द फॉरेस्ट आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट विच
फिर ट्राइब ग्रुप्स आर वेरी माइजर कंडीशन, वो बहुत माइजर कंडीशन में आ जाते हैं जिसके रिवाइव करते हैं, चाहे वो आपके बिरसा मुंडा हो गए, जो आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइट करते हैं डिगूस, तो डिगूस सभी बोलते हैं चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो इंडियंस हो जो आउटसाइडर होते हैं फॉरेस्ट के, तो ये इम्पैक्ट हम निगेटिव इम्पैक्ट देते हैं ब्रिटिश यूथ का। एंड द थर्ड वन इज द वाटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे हमारे रबर होता जब यूरोप में इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है, किस तरह से हमारा पहले पहचान होती है, यूज डिमांड होता है यूरोप में, इसीलिए शायद ब्रिटिश और इसीलिए स्पैनी श्योर ब्रिटिश ही हमारे स्पाइसेस और हमारे कॉटन क्लॉथेस जो कि एक वर्ल्ड फेमस था उसकी व्यापार करने के लिए वो इंडिया में आते हैं और धीरे धीरे वो अपनी कंट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इतना वेल्दी हमारा कल्चर है, इतना वेल्दी रिसोर्सेस था इन द सेंस ऑफ स्पाइसेस एंड क्लॉथेस, कॉटन हो गया है ना, चाहे वो चिप्स हो गया या फिर आप और भी कॉटन ले सकते हो, तो ये कैसे इंडस्ट्री जो बहुत ग्रोथ होती है तो यहाँ के रबर्स कैसे सफर करते हैं, इंडस्ट्री ज्यादा वर्क करना पड़ता है, कम प्रोडक्शन कर पाते हैं क्योंकि कास्ट ज्यादा हो जाते हैं, यही रॉ मटेरियल को ब्रिटिश लेकर के यूरोप के जो है मशीन के थ्रू और रैपिडली ग्रोथ करते हैं, उनके प्राइस भी बहुत सस्ते हो जाते हैं और फिर वहीं से इम्पोर्ट भी हो जाता है इंडिया में रॉ मटेरियल बस यहाँ। तो अब रबर्स भी बहुत सारे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक न्यू पार्ट, वो है जो पॉजिटिव आप इम्पैक्ट कर सकते हो एजुकेशन, व्हाट अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन का क्या होता है एंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लाइफ में अब क्या क्या इम्पैक्ट होता है वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट, वन थिंग आई वांट टू से हियर कि ब्रिटिश व्हेन केम टू इंडिया दे हैव अ मिशन, उनके पास एक मिशन है, वो उनका मिशन क्या है, दे आर नॉट ट्राई टू कन्वर्ट द टेरिटरी एंड कंट्रोल ओवर इंडिया एज वेल एज ही थॉट एंड ही हैड ए प्लान टू डोमिनेट द इंडियन कल्चर एंड चेंज इनटू द इंग्लिश कल्चर्स। अब वे सफल भी होते हैं और उनका सफल नहीं भी होते हैं, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते कि वे सफल नहीं है, वे हमारे कल्चर्स पे कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। इसलिए आपने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था कि जैसे हमारी मिशनरीज आती है एजुकेशन को रिफॉर्म करती है, लेकिन एम क्या है उसका पीछे छुपा हुआ कि एजुकेशन को देती है लेकिन अपना क्या करती है, अभी भी वो अपने रिलीजन को इम्पोज कर रही है इंडियन कल्चर पे, और इंडियन कल्चर आज जो हम टाई सूट पहनी दैट इज द इम्पोज ऑफ इन ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का ही इम्पोज किया हुआ है, तो हमारे कल्चर को भी ये डोमिनेट करता है। इसका एक मिशन होता है कि इंडिया में अपने रिलीजन को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाए। सो ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एम ऑफ ब्रिटिश वॉज नॉट ओनली टेरिटोरियल एक्सपेंशन, न सिर्फ अपने एक्सपेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल ओवर रिवेन्यू, ना वो अपने रिवेन्यू पे कंट्रोल करना चाहते हैं बल्कि कल्चर डोमिनेशन की वो करते हैं। आप उस रिसेंटली एक एग्जांपल हो सकता है जो कि रिलीजन को चेंज भी कराते हैं और अपने रिलीजन को हाइयर ऊपर रखते हैं तो आप और डोमिनेट करना चाहते हैं इंडियन कल्चर्स को। सो स्टूडेंट, ये तो हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ब्रिटिश का क्या काम है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में, बट इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं, मेरा सजेशन है कि आप ये नोट करके रखें ताकि आपको पॉइंट हो कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ ली है उसके बारे में समझ ली है या कौन सा पॉइंट हमसे लेफ्ट हो रहा है, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आसानी से आप इसको देख सकें। उससे ज्यादा आपके चैप्टर में कुछ आने वाले नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है अगर आप इसको ऑनेस्टली देखते हो तो नो डाउट नो वन स्टॉप यू, इट्स माय प्रॉमिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर,
भी इन टू पर्सपेक्टिव्स. नंबर वन इज द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव एंड द सेकंड वन इज द इंडियन पर्सपेक्टिव्स. ये दो तरीके से दो पक्ष हम देखेंगे, ब्रिटिश पक्ष क्या है और इंडियन पक्ष क्या है. सो ब्रिटिश पक्ष में आपको क्या पढ़ना है, नंबर वन हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन. एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट द एज ए चैप्टर लेवल द एजुकेशन द नेशन ऑफ सिमिलरली द नेटिव. सो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स हैं. तो हम ये देखेंगे कि आज ब्रिटिश जो है इंडियन एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं, क्या वे इंडियन एजुकेशन से कोई सहमत है या उसमें वो चेंजेस करना चाहते हैं. सो ये पॉइंट हमने रखे हैं. नंबर वन पहला हम देखेंगे द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन या ओरिएंटलिस्ट कह सकते हो कि जो आज ओरिएंटलिस्ट का क्या समझते हैं. न्यू वर्ड है ओरिएंटल. देखो एक मॉडर्न और एक ओरिएंटल. ओरिएंटल का सेंस होता है वैल्यू या पुराना. तो पुरानी सोच जो इंडियन एजुकेशन चल रहा है तो उसका ट्रेडिशन है जो हमारे एजुकेशन पे एग्री होते हैं, उनको लगता है कि इंडियन एजुकेशन इज बेटर फॉर द इंडियंस. तो उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका पक्ष क्या है, ये हम देखेंगे नंबर फर्स्ट. सेकेंड वन इज द ग्रेट एरा ऑफ द ईस्ट. ईस्ट किसके लिए यूज किया जा रहा है बताओ हमारे लिए. अब ईस्ट किसके लिए होता है, देखो अगर वेस्ट में यूरोप है और यूरोपियन एम्पायर्स तो विनी और इंडिया का यूरोप ईस्ट में है. तो इंडिया और इससे रिलेटेड जो भी कंट्री है वे उनको ईस्ट कहा करते हैं. तो कहते हैं कि ग्रेट एरा हमारे एजुकेशन को वो डोमिनेट करना चाहते हैं इस पॉइंट से, चाहे वो लॉर्ड मैकाले की बात हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ग्रेट एरा ऑफ द ईस्ट वे कहते हैं कि ईस्ट के एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी है, एरर्स है, ग्रेट बॉय यूज एरर्स है. दैट मीन्स कि वे हमारे एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं, एवेल्युएशन करना चाहते हैं, उसमें क्रांति चाहते हैं. नंबर वन नेशनलिज्म एजुकेशन फॉर कॉमर्स. उनकी सोच क्या है कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स. उनका ये मानना है कि इंडियन जो एजुकेशन है ये बेस्ड है रिलीजियस एजुकेशन पे. एक्चुअली होता क्या है कि जो इंडियन एजुकेशन होता था उसका कोई करिकुलम नहीं होता था, उसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं होते थे, उसका कोई एग्जाम भी नहीं होते थे. तो इसको कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होती थी जिसे स्कूल कहा जाए, न स्टूडेंट को बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स हुआ करते थे, टेबल डेस्क कुछ भी नहीं हुआ करता था. तो एजुकेशन चलती कैसी थी, आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे जिसमें आपने आश्रम पद्धति भी देखा होगा कि स्टूडेंट जो है आश्रम में जाते हैं और ओनली एजुकेशन होता है. तो जनरली होता क्या था कि किसी गांव में ही वो स्कूल ओपन किए जाते थे. स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, ओपन ग्राउंड होती थी, जैसे कोई बनियान ट्री हो गया उसके नीचे जो है बच्चे बैठ जाते थे. टीचर्स कौन थे, तो जो वहां के पंडित जी जो पढ़े लिखे थे वो टीचर हुआ करते थे. उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी, उनको सैलरी जो है वो बेलस कर लोगी उनके लाइवलीहुड के लिए मैनेज कर देते थे. और वे जो है बच्चों को ओनली टीच करते थे और बच्चे जो है स्टूडेंट जो है ओनली जो है उसको मेमोराइज भी किया करते थे. कोई यहाँ पे एक फिक्स करिकुलम नहीं था. शादी जब इंडियंस क्रॉप सीजन आते थे वो जो भी कहते हो, तो उस वक्त स्टूडेंट अपने कामों में बिजी होते थे और जब वो फ्री होते थे तो वे एजुकेशन के लिए आ जाते थे. ठीक है, तो उनका ये कहना है कि एजुकेशन फॉर कि इससे इनका एजुकेशन जो है इंडिया का वो रिलीजियस बेस है और इससे जो है इनका जो है इम्प्रूव नहीं होना वाला है. सो वे किस पे सहमत होते हैं, वे क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स की व्यवसायिक एजुकेशन होनी चाहिए. जो आदम यूज कर रहे हैं, जो आदम ये इंपैक्ट है ब्रिटिश का, जो आदम उन्हीं के एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं कि आज हमारा कॉमर्स का एजुकेशन है, चाहे आप मेडिकल पढ़ो, चाहे आप इंजीनियर पढ़ो, ठीक है, या फिर जो भी है आपका, कहीं ना कहीं आप अपने लाइवलीहुड के लिए और किसी कॉमर्शियल पर्पज से ही एजुकेशन लेते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द एंड द डिमांड फॉर अ फॉर्मल एजुकेशन और नैतिक शिक्षा कि हमें कैसा भी है करना चाहिए, हमारा क्या मॉरल होना चाहिए एज ए सिविलियन. सो वे डिमांड करते हैं मॉरल एजुकेशन.
का, उनका ये मानना है कि इंडियन पीपल नेटिव जो है सिविलाइज नहीं है, इन्हें सिविलाइज होना पड़ेगा, इन्हें मॉडल जानना पड़ेगा क्या इनका वर्क हो सकता है, कैसे ये बिहेव करें। सो दैट इज द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, ये ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है जो हमारे इंडियन एजुकेशन के बारे में वो चेंज कर रहे हैं। ये वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब हम एक दूसरी देख पाते हैं कि और भी क्या डिस्कस करना है, तो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है कि यानी इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, कि भारतीय सोच क्या है, इसकी पद्धति कैसी है। तो इसकी हम क्या पढ़ने को पाते हैं कि पहला पाते हैं बहुत हार्मस लोकल स्कूल, जब ये स्टैब्लिश कर जाते हैं, आई मीन जब स्कूल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी हो जाते हैं। देखो हम इस चैप्टर पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी समुदाय आयोग हो जाता है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो गई ना, अभी देख रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं एजुकेशन में टाइम टू टाइम। उस वक्त हम गुड डिस्पैच भी पढ़ेंगे या लॉर्ड मैकाले की जो है शिक्षा पद्धति भी पढ़ेंगे कि वे किसके पक्ष में होते हैं, कि क्या सोचते हैं वो, और हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे स्कूल बिल्डिंग्स कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ओपन किए जाते हैं ब्रिटिश स्कूल में, सो अब इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू देखें कि उसके अपोजिट में क्या होता है, कि जो हमारे लोकल स्कूल्स हैं, लोकल स्कूल क्या है, उस गांव में या किसी प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे जो स्कूल चलते थे उनका क्या होता है, क्या वे पूरी तरीके वैनिश हो जाते हैं या वे फ्लरिश भी करते रहते हैं। सो आने वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। न्यू रूटीन न्यू रूल्स, अब न्यू रूटीन्स बनते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, नए रूल्स बनाए जाते हैं एजुकेशन के लिए। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। एक्चुअली ये ब्रिटिश एजुकेशन के अगेंस्ट ही रखा जाता है नेशनल एजेंडा, कि जो हमारी राष्ट्रीय भावना है वे भी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए, बच्चों को स्टूडेंट को बताया जाए कि अपने नेशन के साथ वो प्रेम करें, अपने नेशनल नेशन के साथ वो रिस्पेक्ट करें। अब जब इंग्लिश एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जो वे ऑफ या मीडियम ऑफ एजुकेशन था उसको लॉर्ड मैकाले आएगा जब हम उसको और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें भी मीडियम ऑफ एजुकेशन रखना चाहते हैं तो डिवाइड किया जाता है कि प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होगा। जनरली उनका जो सोचना है वह है इंग्लिश मीडियम, इसको अपोज किया जाता है हमारे नेशनलिस्ट द्वारा, इसकी ड्रॉबैक को बताया जाता है, और इसमें सबसे प्रमुख नेम जो आएगा वह हमारे फादर ऑफ नेशन आई मीन महात्मा गांधी जी का आएगा, जिनका बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपका, इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लैप्ड अस, कि इंग्लिश एजुकेशन है जो हमें कॉमर्स की, जो हमें साइंस की एजुकेशन दे रहा है, इंग्लिश एजुकेशन दे रहा है, अपने ट्रेडिशन को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, हमें डोमिनेट कर रहा है, तो इंग्लिश एजुकेशन इंस्लैप्ड अस, वे हमें और दास बना रहा है। तो उसका एम क्या है, उसका एम है कि वे इंडिया पे रूल करता रहे, ऐसे रूल्स बनाए। तो उसका काम क्या है कि ऐसे वर्कर्स तैयार करना थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन जो ब्रिटिश रूल के लिए काम करे, या कह सकते हो कि क्लर्क बनाना, कि हम इंडियंस जो है ब्रिटिश रूल्स को हेल्प करते रहे उन्हीं के वर्क में। सो इसको अपोज करेंगे जो हम देखेंगे गांधी और टैगोर की चीजें, कि इंग्लिश एजुकेशन अनस्लैप्ड अस। एंड द नेक्स्ट वन इज द टैगोर एकॉर्ड ऑफ पीस, और हम शांति निकेतन की बात करेंगे जो कोलकाता में स्टैब्लिश किया जाता है, और ये टैगोर एक बीच का रास्ता निकालते हैं, या इनका एजुकेशन हमारे ओरिएंटलिस्ट भी होते हैं, आई मीन इंडियन एजुकेशन के साथ साथ वे साइंस और टेक्नोलॉजी का भी एजुकेशन देते हैं जो आज भी चल रहा है। एंड द नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, और विलियम एडम के रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं यही हमें टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मेरा सजेशन है कि आप इसको नोट करके रखें, इन द सेंस इन द केस अगर मैं भी कोई पॉइंट भूल जाता हूं तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करें कि सर ये पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं, आई एम श्योर उसकी वीडियो बना के फिर मैं आपको सेंड करने वाला हूं। सो फिर इंस्ट्रक्ट भी मैं कर रहा हूं कि ये पॉइंट्स आप नोट करें, और जैसे जैसे पॉइंट डिस्कस होता जाता है आप थिंक
भी लगा लेना है कि क्या हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हम कितना जान चुके हैं, इससे रिलेटेड आप क्वेरी भी करें और मैं भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी करने वाला हूँ। टिल देन वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।